गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस दी चैप्टर नंबर 11 रिकॉर्डिंग्स ऑफ दी ट्रांजेक्शन. अगर हमने किसी से कुछ खरीदा है या फिर किसी ने हमें कुछ बेचा है, फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर कोई भी शॉप ले लो आप, या फिर मेडिकल शॉप ले लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किसी को पैसे दिए हैं या फिर किसी से कुछ परचेस किया है, किसी को कुछ सेल किया है, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी पैसों के अदला बदली होती है, लिया जाता है या फिर दिया जाता है, तो जो भी पैसे होते हैं वो हम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स. उसे हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसे लिख के रखना पड़ता है कि किसको कितने पैसे दिए है, किसी से कितने पैसे लिए हैं, या फिर किसको क्या परचेस किया है, किसको क्या सेल किया है. तो उसके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो जब हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो उसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ओके, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके अलग अलग बुक्स होते हैं. ठीक है, जैसे कैश बुक होता है, या फिर परचेस बुक होता है, सेल बुक होता है, सेल रिटर्न बुक होता है, परचेस रिटर्न बुक होता है. तो अलग अलग फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल्स होते हैं. ठीक है, देन जो भी एंट्री हमने इस बुक्स में की है या फिर जर्नल्स में की है, वो जो एंट्री होती है वो हम बाद में लेजर में पोस्ट करते हैं. ठीक है, लेजर इज द बुक ऑफ अकाउंटिंग. ओके, लेजर क्या है, अकाउंटिंग का एक बुक है जिसमें हम सारे एंट्री जो होते हैं अकाउंट के फॉर्म में उसमें हम एंटर करते हैं. ठीक है, देन बाद में मंथली ईयरली हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. जो भी शीट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो भी एंट्रीज है उसमें कोई एरर है क्या, या फिर जो भी एंट्रीज है वो अच्छे से की है हमने या नहीं की है. दोनों साइड के जो एंट्रीज है वो अगर अच्छे से की गई है तो वो जो बैलेंस होता है वो नील होता है. अगर डेबिट साइड में ज़्यादा बैलेंस आता है तो उसे हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं. अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा पैसे आते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, ये सब हमने लास्ट जो चैप्टर था रिकॉर्डिंग्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इसमें पढ़ा है. अभी जो नेक्स्ट है उसे बोलते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो है ट्रायल बैलेंस. वो क्या है, ट्रायल बैलेंस. ओके, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट इज नेसेसरी टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंडिविजुअल पोस्टिंग इन द लेजर्स. जब हम फाइनल अकाउंट निकालते हैं, फाइनल जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तब ये नेसेसरी होता है कि हम हर एक जो अकाउंट है जो लेजर में हमने पेस्ट किया है उसे एक बार चेक कर ले, उसको इंडिविजुअल पोस्टिंग को हम एक बार उसकी एक्यूरेसी देख ले. ठीक है, देन अंडर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम द टू एस्पेक्ट्स वाई वेज डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड. ओके, तो जब हम अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होती है उसमें टू एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. वैसे तो हर एक जो बुक होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की, जो भी बुक होती है उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, देन उसमें हम दोनों बातें रिकॉर्ड करते हैं. जैसे हमने किसी को पैसे दिए हैं तो हम जो दिए हैं उसमें आएगा डेबिट में, और जिसको दिए हैं वो आएगा क्रेडिट में. ठीक है, तो दोनों में हम उसको एंट्री करते हैं. देन एन एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सम अदर अकाउंट्स. ओके, मीन्स जिसको हमने दिए हैं उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं, और जे हमने दिए हैं तो हमारी एंट्री हम डेबिट में करेंगे. मीन्स बोथ साइड में हम उस एंट्री को करेंगे. देन Hence the amount of the debit side must be equal to the amount of the credit side. इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमने किसको जिसको पैसे दिए हैं वो भी हमने क्रेडिट में लिखे हैं, वो हमने दिए इसलिए हमने वो डेबिट में लिखे हैं. तो बोथ साइड जो होती है वो इक्वल होती है. जिसको दिए हैं उतने ही पैसे दिए हैं. जैसे हमने किसी को 10,000 दिए हैं तो 10,000 क्रेडिट में भी आएंगे और 10,000 डेबिट में भी आएंगे. तो बोथ साइड की जो एंट्री होती है वो कैसे होती है, इक्वल साइड होती है. बोथ साइड जो होती है डेबिट एज वेल एज क्रेडिट वो इक्वल होती है. ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग एंट्रीज
अप टू द डेट स्टार्टिंग एट द हेड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो स्टेटमेंट है जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स जो भी बुक कीपिंग सिस्टम है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हमने किए हुए हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमने रखे हुए हैं, वो जो रिकॉर्ड्स है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस किया जाता है। ट्रायल बैलेंस एंश्योर दैट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन हैव बीन ड्यूली रिकॉर्डेड। ओके, ट्रायल बैलेंस एंश्योर करता है कि बोथ एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्यूली रिकॉर्डेड। मीन्स दोनों साइड के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस के? ट्रायल बैलेंस हम क्यों यूज करते हैं? टू असर्टेन द एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। लेजर में जो भी अकाउंट्स हमने पोस्टिंग किए हुए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस किया जाता है। सेकेंड है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। अगर लेजर बुक में पोस्टिंग करते टाइम कोई एरर हो गई है, एक जो एरर्स है उसे फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस इज हेल्पफुल। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। ओके, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल है। देन लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज एड टू मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एरर्स, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अरिथमेटिकल टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, देन टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। ओके, फर्स्ट वन इज टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ओके, एज हैज बीन स्टार्टेड अर्लियर, इफ द सम ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस टैली, इट इज एज्यूम दैट द पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स हैव बीन मेड करेक्टली। अगर हमने दोनों साइड जो होते हैं क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड वो अगर इक्वल है तो हम उसने उसको अगर हम टैली करते हैं, मीन्स फाइनल जो टोटल होती है वो हम काउंट करते हैं, और बोथ साइड की जो फाइनल टोटल होती है वो अगर इक्वल आती है, मीन्स हमने क्या किया बोथ साइड जो है उसको टैली किया, टैली करने के बाद अगर बोथ साइड की जो भी टोटल होती है सम होती है वो अगर इक्वल आती है तो उसे हम बोलते हैं कि जो भी पोस्टिंग हमने की है या फिर जो भी हमने उसमें ट्रांजेक्शन्स एंटर किए हुए वो कैसे हैं, तो वो बोथ ट्रांजेक्शन्स आर मेड करेक्टली, मीन्स वो हमने करेक्टली उसमें पोस्ट किए हैं। इट डज नॉट हाउएवर मीन दैट इंडिविजुअल लेजर अकाउंट आर आल्सो एक्यूरेट, सिंस द फॉलोइंग एरर्स इन द लेजर अकाउंट्स आर नॉट रिलीवर्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ओके, मीन्स इसका मतलब ये नहीं होता कि बोथ साइड की जो वैल्यू है वो अगर अच्छी आई है, मीन्स सॉरी इक्वल आई है, तो वो जो पोस्टिंग हमने की है वो एक्यूरेट है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जब हम लेजर अकाउंट में जो भी इंडिविजुअल एंट्रीज होते हैं वो जब हम एंटर करते हैं तो उसमें चार टाइप के एरर आ सकते हैं। फर्स्ट एरर होती है रॉन्ग एंट्री इन द लेजर। हम लेजर में जब एंट्री करते हैं तो रॉन्ग एंट्री हो सकती है। देन सेकेंड आता है ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन द एजर। लेजर में एंट्री हमने की ही नहीं, ओमिशन हो गया हमसे, मीन्स होता है ना कभी कभी, फर्स्ट जो होती है वो रॉन्ग एंट्री, जैसे किसी ने हमें 4,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, हमने वो एंट्री करते टाइम सिर्फ 400 लिख दिए, एक जीरो जो है वो हमसे रह गया, तो ऐसी एंट्री हो सकती है कि हम ऐसे नहीं बोलते कि हमेशा होती है, लेकिन एकाध बार ऐसी एंट्री हो सकती है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस किया जाता है। ठीक है, देन सेकेंड आता है ओमिशन ऑफ द एंट्री। सपोज किसी ने 200 रुपीज़ हमें दिए थे, लेकिन हमने वो उसको रिसिप्ट तो हमने दे दी, लेकिन वो लेजर में पोस्ट करना हम भूल गए, या फिर लेजर में हमने वो पोस्ट ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है, उसे बोलते हैं ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन द लेजर। देन नेक्स्ट आता है पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन रॉन्ग कॉलम। ओके, जैसे हमें डेबिट साइड में लिखने थे 4,000 रुपीज़, लेकिन हमने क्रेडिट साइड में लिख दिए, या फिर क्रेडिट साइड में लिखने थे 200 रुपीज़, हमने डेबिट साइड में लिख दिए, तो हो सकता है कि कॉलम में हमने गड़बड़ कर दी, या फिर जो भी ट्रांजेक्शन हमें पोस्ट करने थे वो हमने रॉन्ग कॉलम में कर दिए।
सपोज हमने डिस्काउंट में लिख दिया या फिर डेबिट साइड का क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया, ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन द रॉन्ग कॉलम. ओके, देन नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग ऑफ अ करेक्ट अमाउंट बट टू अ रॉन्ग अकाउंट. ओके, पोस्टिंग तो हमने करेक्ट किया है, जो भी अमाउंट थी उतनी ही की है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट में कर दी तो उससे भी एरर आ सकती है. ठीक है, किसी ने बोला था कि 4000 रुपीज़ हमें मुकेश के अकाउंट में डालने हैं, लेकिन हमने वो सुरेश के अकाउंट में डाल दिए, तो क्या होगा, ये क्या हुई, रॉन्ग एंट्री हुई. इससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क, सॉरी, इससे टैली में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो भी एंट्रीज है वो लेजर में ही लिखे हैं, उस दिन के एंट्री उसी दिन लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी के टोटल करेंगे. डेबिट और क्रेडिट साइड तो टैली हो जाएंगे, उसकी जो अमाउंट होगी वो सिमिलर आएगी, लेकिन एरर्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस करना पड़ता है. ठीक है, सच एरर्स कैन बी अवॉइडेड ओनली बाय एक्सरसाइजिंग ड्यू टू द केयर कॉशन व्हाइल रिकॉर्डिंग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस. ओके, ये जो भी एरर्स है, रॉन्ग एंट्री इन द लेजर, ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन द लेजर, पोस्टिंग ऑफ एन ट्रांजेक्शंस इन द रॉन्ग कॉलम, पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट बट टू अ रॉन्ग अकाउंट, ये जो भी एरर्स हैं वो हम कम कर सकते हैं, या फिर एरर्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. कैसे, तो हम अगर केयरफुली जो भी ट्रांजेक्शंस है वो हम पोस्ट करते हैं लेजर बुक में, रिकॉर्ड करते हैं लेजर बुक में, तो जो भी एरर्स है वो अवॉइड हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, एरर्स लोकेट करने के लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें हेल्प करता है. तो वो कैसे हेल्प करता है, सेकंड पॉइंट था, सेकंड ऑब्जेक्टिव वो हम देखते हैं. व्हेन देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर आर एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू लोकेट द पॉसिबल एरर्स. ओके, जैसे हम बहुत सारे पोस्टिंग कर रहे थे हमें एक ही दिन में लेजर में, तो हमने पोस्टिंग तो कर दिए लेकिन हमने वो टैली नहीं किए. ठीक है, तो हम एरर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरर्स फाइंड आउट करने के लिए टू रीचेक द टैली ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, हमें क्या करना पड़ता है एरर्स फाइंड आउट करने के लिए, रीचेक करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है. टैली करने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड को हमें ट्रायल करना पड़ता है, मीन्स वो दोनों को टैली करना पड़ता है. देन रीचेक ऑफ द ट्रायल बैलेंस आइटम्स विद द लेजर्स, जो भी आइटम्स हमने लेजर में पोस्ट किए हुए हैं उनको हमने फिर से रीचेक करना पड़ता है कि हमने सच में वही आइटम्स या और वही अमाउंट पोस्ट की है या नहीं की है. देन रीचेकिंग ऑफ द टोटल ऑफ लेजर अमाउंट्स एंड देयर बैलेंसिंग शुड बी अंडरटेकन टू सी वेदर द डिफरेंस इन द टोटल्स इज ड्यू टू एरर इन द टोटलिंग एडिशन एंड बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स. ओके, बाद में हमें क्या करना पड़ता है, रीचेकिंग करनी पड़ती है टोटल्स ऑफ द लेजर्स, लेजर्स में जो भी अकाउंट्स है उसके टोटल हम रीचेक करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, देन बाद में जो भी टोटल्स में डिफरेंस होगा वो होगा ड्यू टू द एरर्स. अगर डिफरेंस नहीं आता तो वो क्या है, हमने जो पोस्टिंग की है वो करेक्टली की है. ठीक है, देन नेक्स्ट टू चेक वेदर देयर आर एनी आइटम्स इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री व्हिच डू नॉट हैव द लेजर फॉलियो. ओके, हम चेक करेंगे कि जो भी हमने एंट्री की है उसके जो बुक्स है, बुक्स में जो एंट्री हमने की है तो उसमें लेजर फोलियो का नंबर हमने डाला है या नहीं डाला है. अगर हमने किसी रिसिप्ट में या फिर किसी बुक में लेजर फोलियो का नंबर नहीं डाला है, मीन्स हमने वो एंट्री लेजर में नहीं की है. ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस मे बी ड्यू टू द ओमिशन ऑफ एन एंट्री आइदर ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रांजेक्शंस. अगर कोई भी डिफरेंस आता है, मीन्स हमने वो एंट्री नहीं की है, तो कोई तो भी साइड में डिफरेंस आएगा, या डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में, तो वो जो डिफरेंस होता है वो हम कैसे करते हैं, सब एग्जांपल दिया हुआ है. डेबिट एंट्री सेज दैट 2642 हैज़ बीन मेड इन अ ट्रांजेक्शंस, द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री हैज़ बीन ओमिटेड थ्रू एन ओवरसाइट टू ओमिटेड दिस possibility, it is necessary to carefully scan through all the credit entries to see whether the corresponding credit entry said amount has been made under this transactions. हम क्या करेंगे,
सपोज हमने डेबिट एंट्री में लिखा है 2642, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हमने ये कर दिया और क्रेडिट साइड में लिखना ही भूल गए, मीन्स वो ओमिटेड हो गया हमसे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को हम जब टैली करेंगे तो टैली करते टाइम जो डिफरेंस आएगा वो हमें फिर से रिचेक करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट इज डिविजिबल बाय टू, अगर जो भी डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट में वो अगर टू से डिवाइड हो सकता है तो इट इज पॉसिबल दैट पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट इक्वल टू वन हाफ ऑफ द डिफरेंस मे हैव बीन मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो भी डिफरेंस आया वो अगर टू से डिवाइड हो सकता है, मीन्स डेबिट और क्रेडिट साइड में हाफ डिफरेंस आया है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड बाय द 854, इट इज पॉसिबल दैट थ्रू एंड ओवरसाइट ऑफ द क्रेडिट आइटम्स ऑफ 427 हैज बीन पोस्टेड इन द लेजर एज अ डेबिट, सो ऑल एंट्रीज ऑफ 427 बी थोरली स्क्रूटिनाइज। समझ में आ रहा है कि आपको, अगर ऐसा कोई डिफरेंस है लाइक 10 का डिफरेंस है, हम सिंपल लेते हैं 10 का अगर डिफरेंस है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 5, तो हम बोल सकते हैं कि 5 का डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट में आया है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, इफ द डिफरेंस इज ऑफ टू डिजिट्स एक्सक्लूडिंग 0 एंड देयर सम इज अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर डिफरेंस 2 डिजिट का है लाइक 22 सपोज, या फिर कोई भी 2 डिजिट का अगर डिफरेंस है और उसमें 0 नहीं है, देन सम ऑफ द मल्टीपल्स, जो भी दोनों जो डिजिट है उसकी सम की जाती है वो अगर 9 है तो द मिस्टेक इज लाइक टू बी द ट्रांसपोजिशन ऑफ द फिगर। फॉर एग्जाम्पल इफ द डेबिट ऑफ सेज 1495 has been posted as a 1459, means क्या हो गया है, 1495 थे तो हमने क्या कर दिया 1459 कर दिया, तो इसमें क्या हो गया 9 की जगह 5 और 5 की जगह 9, तो उल्टा हमने लिख दिया, तो इससे क्या होगा 36 का डिफरेंस उसमें आया, क्रेडिट साइड में 36 जो होंगे वो कम आएंगे, ठीक है। Then, thus the difference in the trial balance visible by 9 made in the detecting the errors by re-examining the entries. तो इसकी जो भी प्लस होगी उससे हम क्या करेंगे, तो वो जो एंट्रीज है उसको एग्जामाइन करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। ओके, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो फाइनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, इसमें लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट्स होती है, लेजर अकाउंट की लिस्ट होती है डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी बैलेंस की हुई है, ठीक है। So while preparing the final account financial statement there is no need to refer the ledger, means इससे क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस ही हम रेफर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए या फिर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, हमें लेजर रेफर करने की जरूरत नहीं होती। The financial statements can be easily prepared from the tallied trial balance, okay? फाइनल अकाउंट्स जो होता है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से, टैली ट्रायल बैलेंस से, अगर वो टैली किया हुआ ट्रायल बैलेंस है तो उससे हम इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर फ्रॉम रिवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। फर्दर मोर The balance sheet can be prepared from the assets, liabilities and capital account appearing in the trial balance. Preparation of the trial balance. Trial balance हम कैसे prepare करेंगे? The trial balance may be prepared by employing an
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, दो मेथड से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट है बैलेंस मेथड एंड सेकेंड वन इज टोटल अमाउंट मेथड. ओके, फर्स्ट जो है बैलेंस मेथड, इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड ऑल द लेजर अकाउंट्स आर फर्स्ट बैलेंस, पहले तो लेजर अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है. देन दिस इज डन इमिजिएटली आफ्टर पोस्टिंग्स हैव बीन मेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर्स. ये कब चेक किया जाता है, जब हम ओरिजिनल एंट्री बुक्स जो होती है उसमें से जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं तभी हम उसको ट्रायल उसको टैली कर लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, फॉर दिस पर्पज द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज टोटल्ड एंड द बैलेंस ऑन डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड इज ऑब्टेन. जब हम न्यू एंट्री करते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक से तभी हम उसको टैली कर लेते हैं, तभी हम उसको बैलेंस कर लेते हैं. अगर किसी साइड में बैलेंस आता है तो वो हम वहीं पे लिख देते हैं, अगर इक्वल आते हैं तो वह वैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं. इफ द ग्रैंड टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टैली इट शोज दैट द बुक्स आर एक्यूरेट अरिथमेटिकली. अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बुक्स से हमने एंट्री की है वो कैसी है, एक्यूरेट है, अरिथमेटिकली एक्यूरेट है. द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लूज शीट हैविंग थ्री कॉलम्स. ओके, ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं लूज शीट में तो उसमें थ्री कॉलम्स होते हैं. द फर्स्ट कॉलम गिव्स द नेम ऑफ द अकाउंट एंड सेकेंड थर्ड कॉलम्स शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली. अ स्पेसिमेन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बाय दिस मेथड इज गिवन बिलो. बैलेंस मेथड से जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है वो दिया गया है नीचे. अपोलो फार्मेसी का यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया है 31 मार्च 2015 का. ओके, तो उसमें क्या है, उसमें दिया गया है फर्स्ट जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर्स का होता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, अकाउंट नेम लिखते हैं. देन सेकेंड जो कॉलम होता है बैलेंस, उसमें एक कॉलम होता है डेबिट साइड जिसे हम DR बोलते हैं, सेकेंड कॉलम होता है क्रेडिट साइड जिसे हम CR बोलते हैं. ठीक है, तो हम इसमें सारे एंट्रीज लिखते हैं और दोनों को टैली करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस शीट. ओके, ट्रायल क्यों, बैलेंस शीट क्यों, इसमें थ्री कॉलम्स होते हैं. ठीक है, देन टोटल अमाउंट मेथड नेक्स्ट क्या है, टोटल अमाउंट मेथड. इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड द टोटल ऑन क्रेडिट एंड डेबिट साइड ऑफ द लेजर, सॉरी इन दिस मेथड द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ एवरी लेजर अकाउंट इज एंटर अंडर द डेबिट कॉलम एंड ट्रायल बैलेंस एंड द टोटल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज रिकॉर्डेड अंडर द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. अ ग्रैंड टोटल ऑफ द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज देन टेकन. इन केस द ग्रैंड टोटल ऑन बोथ साइड्स टैली इट इंडिकेट्स अरिथमेटिकल accuracy of the book. However, if there is a difference between the grand total on the debit and credit side, it shows that there is a mistake somewhere which needs rechecking. Okay? इसका मतलब क्या हुआ, सपोज टोटल अमाउंट मेथड में क्या किया जाता है, जो डेबिट साइड की एंट्रीज होती है वो डेबिट टोटल्स में लिखी जाती है, जो एंट्रीज होती है वो इंडिविजुअल नहीं लिखी जाती, उसकी टोटल करके डेबिट साइड में लिखते हैं. क्रेडिट साइड जो होती है उसकी टोटल करके हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं. देन पर्टिकुलर्स जो होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं. देन इसमें भी तीन कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, सेकंड जो होता है डेबिट्स का होता है और थर्ड जो होता है वो क्रेडिट का होता है. अगर जो ग्रैंड टोटल है बोथ साइड्स की जो ग्रैंड टोटल है उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है, ग्रैंड टोटल में अगर कोई डिफरेंस आता है दोनों साइड की, तो कहीं तो भी मिस्टेक है. अगर दोनों इक्वल आते हैं तो मिस्टेक नहीं है. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एरर्स. नेक्स्ट पार्ट इज अकाउंटिंग एरर्स. द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट बुक. हाउएवर इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट टैली ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन्स दैट नो एरर हैव बीन कमिटेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. वी मे रिमेंबर दैट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस. ओके, जैसे सपोज हमने टैली कर लिया, ट्रायल बैलेंस शीट हमने बना लिया, बैलेंस शीट बनाने के बाद में बोथ साइड्स जो है वो इक्वल है, वो भी हमने टैली कर लिया,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस करने के बाद में या फिर टैली करने के बाद में कोई भी एरर नहीं है, ऐसा नहीं होता। फिर भी एरर्स आ सकते हैं, लाइक एरर्स ऑफ कमीशन। कौन से एरर्स आ सकते हैं? तो एरर्स ऑफ कमीशन आ सकता है, एरर्स ऑफ ओमिशन आ सकता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स आ सकता है, एरर्स ऑफ पोस्टिंग हो सकते हैं, या फिर कंपेंसेशन एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, पांच टाइप के एरर्स आ सकते हैं। फर्स्ट जो एरर है, एरर्स ऑफ कमीशन। दिस एरर्स ऑक्यूर ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग आइदर ऑफ एन अकाउंट और ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट और इन द रॉन्ग अकाउंट। ओके, ये जो एरर है, एरर ऑफ कमीशन कैसे हो सकती है? तो एरर ऑफ कमीशन पोस्टिंग में जो गलती होने से हो सकती है। लाइक हमने क्या किया, किसी को पैसे दिए थे हमने, वो हमने रॉन्ग अकाउंट में डाल दिए या फिर रॉन्ग साइड में लिख दिए। हमने दिए थे तो क्रेडिट डेबिट में लिखना था, हमने क्रेडिट में लिख दिए, या फिर रॉन्ग अकाउंट जो था उसमें हमने एंट्री कर दी। तो इससे क्या हो सकता है? एरर आ सकते हैं। तो वो क्या होंगे? एरर ऑफ कमीशन होंगे। रॉन्ग टैलिंग या फिर रॉन्ग टैली करते टाइम हमसे कुछ गलती हो गई, बैलेंस करते टाइम गलती हो गई, रिकॉर्ड करते टाइम गलती हो गई। ठीक है, रॉन्ग टैलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, या फिर जो भी ओरिजिनल एंट्री बुक है उसमें हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लेरिकल एरर। इसे हम क्लेरिकल एरर भी बोल सकते हैं। दीज आर जनरली कमिटेड बाई द क्लेरिकल स्टाफ वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द अकाउंट। ओके, ये जो होती है वो क्लेरिकल एरर भी हम उसको बोलते हैं। वो हम स्टाफ से हो सकते हैं, क्योंकि स्टाफ जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं सारे बुक्स में, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उस स्टाफ से अगर कोई गलती होगी तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मुकेश रिसीव दी 40,000 एज अ पेमेंट फॉर द मटेरियल सप्लाइड। मुकेश जो था उसने मटेरियल किसी को सप्लाई किया तो उसे 40,000 रुपीज मिले थे। ठीक है, लेकिन जब रिकॉर्ड किया कैश बुक में तो रिकॉर्ड करते टाइम मुकेश अकाउंट हैज बिन डेबिटेड ओनली 400 रुपीज। ठीक है, सॉरी 4,000 रुपीज़, 40,000 उसको मिले थे, लेकिन जब उसने डेबिटेड में एंट्री की तो एंट्री करते टाइम उसने सिर्फ 4,000 की एंट्री की, एक जो जीरो था वो उसने कट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये गलती हो गई ना, वो जीरो वो लिखना भूल गया या फिर उससे गलती से वो छूट गया, तो क्या हुआ, 40,000 रुपीज़ के सिर्फ 4,000 रुपीज़ की एंट्री वहाँ पे हुई। तो कितने का डिफरेंस आया? 36,000 रुपीज़ का डिफरेंस दोनों शीट्स में हो गया, डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, तो इस एरर को क्या बोलोगे हम, क्या बोलेंगे हम? तो एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। ट्रायल बैलेंस में ऐसी जो एरर्स होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशन आर रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस। ये जो एरर है, मेजॉरिटी ऑफ एरर्स जो होती है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो होता है, एरर्स ऑफ ओमिशन। सच एरर्स ऑक्यूर एज अ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड आइदर एंटरली और पार्टली इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर थ्रू एन ओवरसाइट। फॉर एग्जाम्पल, अ पेमेंट ऑफ सेज 1,500 has been made to a particular supplier, whereas in cash book an entry has been made and credit side its posting to their supplier account in the ledger is omitted. Okay? किसी ने पैसे दिए थे, 1,500 रुपीज़ हमें दिए थे, हमने वो कैश बुक में एंट्री तो कर दी, लेकिन लेजर में लिखना भूल गए या फिर लेजर में हमने एंट्री ही नहीं की, ओमिटेड कर दी, तो इससे क्या हो सकता है? एरर आ सकती है। दिस एरर इज नोन एज द ओमिशन एरर। इसे क्या बोलेंगे हम? ओमिशन एरर। ओके, नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस टाइप ऑफ एरर ऑक्यूर व्हेन देयर इज अ मिस्टेक इन अलोकेटिंग a particular receipt or expenses to the capital or revenue account. As an illustration, if machinery purchase is debited to purchase account and building sold is credited to sales account, an error of principle will occur. However, the trial balance remains unaffected by such errors. Okay? Omission error जो होती है उससे भी trial balance affect नहीं होता। ठीक है, देन नेक्स्ट जो होती है प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर में क्या होता है? सपोज हमने रिसिप्ट ही नहीं ली,
हमने किसी को पैसे दिए या फिर किसी से हमने पैसे लिए, उसने भी हमें रिसिप्ट नहीं दी या फिर हमने उसको रिसिप्ट नहीं दी, हमने उसकी एंट्री ही नहीं की, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल क्या है या फिर रूल क्या है कि हमें एंट्री करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें किसको पैसे दिए, किसने हमें पैसे दिए, या फिर उसका कोई तो भी रिकॉर्ड हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसने पैसे ले तो लिए लेकिन उसको रिसिप्ट नहीं दिए या फिर उसको पैसे दे दिए और रिसिप्ट नहीं दी, तो ऐसे जो एरर्स होते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर्स। अगर हमने उसको रिसिप्ट ही नहीं दी, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम वो लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो एरर्स होती है इससे भी लेजर में या फिर जो भी ट्रायल बैलेंस होता है या फिर जो अब हम टैली करते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो जितने एंट्री हुए हैं उसी को सिर्फ हम बैलेंस करेंगे, जो एंट्री उसने की ही नहीं है उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी ट्रायल बैलेंस होता है वो रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल एरर्स, उसमें ट्रायल बैलेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो एरर होती है एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। दिस एरर्स कैन बी पोस्टिंग इज डन रॉन्ग अकाउंट थ्रू द करेक्ट अमाउंट एंड ऑन द करेक्ट साइड। हमने करेक्ट अमाउंट तो दी है, करेक्ट साइड में भी लिखी है, लेकिन अनदर अकाउंट में दे दी है, ठीक है। तो इससे भी जो भी ट्रायल बैलेंस शीट होता है वो अनअफेक्टेड है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, वो तो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है कि हमने ये पोस्ट किया है, क्रेडिट में ही लिखा है, डेबिट में ही लिखा है, अच्छे से हमने उसकी एंट्री की है, लेकिन अकाउंट रॉन्ग हो गया तो ट्रायल बैलेंस में ये जो एरर है वो दिखाई नहीं देती, वो हम ये देखेंगे हाँ अच्छे से किया है, दोनों टैली हो रहे हैं, दोनों इक्वल है, मीन्स इसमें एरर नहीं है। लेकिन एरर क्या हो गए हमसे, हमें देने थे मुकेश को, हमने दे दिए सुरेश को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीन्स एरर हो गई। लेकिन ऐसी जो एरर्स होती है इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ पोस्टिंग, किसी और को देना था लेकिन किसी और को हमने दे दिया, पोस्ट हमने अच्छे से किया है इसलिए उसमें कोई भी डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता, एरर दिखाई नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट एरर इज कंपेंसेशन एरर। व्हेन टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे दैट दे नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दीज आर कॉल्ड एज अ कंपेंसेशन एरर्स। सपोज किसी को हमने 200 रुपीज देने थे, उसको हमने सिर्फ 20 रुपीज दिए, और जो दूसरा था उसको हमें 20 रुपीज देने थे, उसको हमने 200 रुपीज दे दिए, मीन्स होगा क्या, दोनों तो इक्वल हो गए, एंट्री तो हमने दोनों की है, मीन्स दोनों बातें क्या हो गई, दो एरर्स हमसे हुए, गलती से हमने किसी को कम पैसे दे दिए, किसी को ज़्यादा दे दिए, लेकिन अमाउंट इक्वल था इसलिए दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो ऐसी जो एरर्स होती है उसको बोलते हैं कंपेंसेशन एरर्स। लेकिन ऐसी एरर्स जो होती है वो ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देती, क्योंकि एंट्री तो हमने दोनों की है और दोनों में से 200 रुपीज़ ही हमको देने थे, दोनों को मिलकर 200 रुपीज़ हमें देने थे, तो हमने वैसे ही पैसे दिए हैं दोनों को। लेकिन हुआ क्या है, जिसको हमें पैसे ज्यादा देने थे उसको हमने कम दे दिए, और जिसको कम देने थे उसको हमने ज्यादा दे दिए। तो ऐसी जो एरर्स होती है उसे बोलते हैं कंपनसेशन एरर्स, ओके। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हुआ, वो छोटा सा चैप्टर था। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।